अच्छा, आज इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन वाले ही इसको, है ना। तो उसमें मैं लास्ट लेक्चर में भूल गया था कि इसमें मशीन साइकिल जो इनका इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो फॉर्म करना, ठीक है। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में ये सब जो है सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है, और अब कोड फैच ही होगा, फोर टी स्टेट लेगा जो कि, ठीक है। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, सबकी फोर टी स्टेट ही है, अब कोड फैच ही होना है सभी में, ठीक है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इन सब में क्या होना है, अब कोड फैच, मेमोरी रीड, ठीक है। तो ये 70 स्टेट की बनेगी पूरी साइकिल जब ये इन सब की। अब इधर आ जाते हैं, एन ए एम, ओ आर ए एम, एक्स आर ए एम और सी एम पी एम, ये भी सब कितने, एक मेमोरी रीड की साइकिल भी आएगी अब कोड फैच के बाद, है ना। अब कोड फैच है सब में, चार चार बिट का, 440 स्टेट का ही है, और फिर मेमोरी रीड। तो मेमोरी यहाँ पर एम का मतलब है कंटेंट है, एच एल रजिस्टर पेयर के, तो वो जो लोकेशन है डेटा मेमोरी की उसको ले गया, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ है, ये तो हो गया इसके बारे में, ठीक है। तो सारी जो है नॉर्मली ये दोनों, ये 770 स्टेट की हैं और ये सब 440 स्टेट की हैं। तो सिंपल सा है, अगर कोई आपकी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग वेवफॉर्म बनने के लिए आता है तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब इसमें थोड़ा सा प्रोग्राम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन से हटके है, मतलब जनरल है सभी के लिए, जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं। देखो, जो हमारी प्रोग्राम मेमोरी है, सपोज करो ये हमारी है पूरी मेमोरी, तो हमारा जो 8085 में मेमोरी आर्किटेक्चर है वो है वॉन न्यूमैन या प्रिंसटन मेमोरी आर्किटेक्चर। तो उसमें क्या है, रोम रैम सब ही सबकी वो जो है 64K में रहनी है। तो सपोज करो ये है 0000H से लेके और 3000H तक, सही है। तो 3000 से ऊपर आएगा 2FFFH तक, ठीक है। ये है हमारी प्रोग्राम मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी में क्या होता है, ये है हमारी बेसिकली रोम, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होती है डेटा मेमोरी, ठीक है। तो ये है डेटा मेमोरी, ठीक। और इधर से स्टार्ट करते हैं हम स्टैक मेमोरी, तो मतलब रैम को ही दो तरफ से यूज़ करते हैं, एक तरफ से डेटा मेमोरी जहाँ पर हमारा जो एड्रेस का है उसका इंक्रीमेंट होता है, और दूसरी तरफ से स्टैक मेमोरी, जब वो मेमोरी में सेव करता है तो वो डिक्रीमेंट करता है, ठीक है। अच्छा, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम जो हमारा आएगा वो यहाँ से हद तक में आएगा, सही है। जैसे कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन जैसे हम देख रहे हैं प्रोग्राम में, तो हम कहते हैं ओ आर जी, सही है, ओ आर जी से स्टार्ट करा 2000 से, और हमने कोई प्रोग्राम लिख दिया मूव ए कोमा बी, है ना, इस तरह कुछ भी लिखे हैं। अब सपोज करो ये तो आ गया प्रोग्राम मेमोरी से, तो जो भी ये यहाँ से यहाँ तक का ये एड्रेस देंगे जिसमें हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा है, अगर मैं मेमोरी को राइट कर रहा हूँ किसी इंस्ट्रक्शन से, तो मेमोरी को जब राइट कर रहा हूँ तो सपोज करो मैं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ STA, सही है। तो अब मैं एड्रेस किसका दूंगा, इसमें से प्रोग्राम मेमोरी का या डेटा मेमोरी का, सही है। तो मैं सिर्फ डेटा मेमोरी का एड्रेस दूंगा, ठीक है, प्रोग्राम मेमोरी का नहीं। प्रोग्राम मेमोरी में माइक्रो प्रोसेसर राइट नहीं कर सकता है, प्रोग्राम मेमोरी में जो राइट करने के लिए है वो असेंबलर के साथ ही सॉफ्टवेयर है, और उसकी सर्किटरी भी अलग है जो रोम में राइट करती है, सही है। तो रोम में एक बार ही राइट होता है, तो मैं बात कर रहा हूँ वैसे ई प्रोम की या फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी में भी राइट करने का जो है जो सर्किटरी है वो अलग है, वो है प्रोग्राम जो आपका जैसे असेंबलर के साथ कनेक्टेड, आप असेंबली में प्रोग्राम लिखेंगे, असेंबलर उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इंस्ट्रक्शन कोड में, सही है, या ऑपरेशन कोड में उसमें कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके वो सेव करेगा इस प्रोग्राम मेमोरी में, ठीक है। तो प्रोग्राम मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है। तो जब मैं STA लिखूंगा तो मैं STA में एड्रेस डेटा मेमोरी का दूंगा, प्रोग्राम मेमोरी का नहीं, बस समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ से 3000 या 3050 में कुछ भी दूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जो भी डेटा मेरा सेव होगा वो इस लोकेशन में होगा, प्रोग्राम मेमोरी की में नहीं। तो ऐसे ही जब हम प्रोग्राम कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो कुछ भी लिख देते हैं, पर उसको थोड़ा सा एक तरह से इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो, ठीक है। तो थ्योरेटिकली तो चलो कुछ भी लिख देते हैं, तो इसका मतलब है ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये डेटा मेमोरी है, ठीक है।
कि हम मेमोरी में राइट कर रहे हैं, तो हम उसमें क्लियर नहीं होते कि वो डेटा मेमोरी है, क्या है, कौन सी मेमोरी है, कितना पार्टीशन है, कुछ इस तरह का कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आज एक बच्चे ने पूछा था कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, किस मेमोरी को राइट कर रहे हैं, किसको रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो डेटा मेमोरी को रीड राइट दोनों कर सकते हो, जैसे STA और LDA, सही है, दोनों डेटा मेमोरी पे ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं 3051 ले देता हूँ। तो ये बस में क्या हो रहा है, मेमोरी रीड राइट दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इंस्ट्रक्शन है MVI A,30H, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के साथ ही डेटा है, ये सब दोनों प्रोग्राम मेमोरी में है। तो जो 30 को जो रीड करेंगे वो प्रोग्राम मेमोरी से रीड करेंगे, क्योंकि वो इस इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, वो इस इंस्ट्रक्शन के साथ ही है 2 बाइट में। ठीक है, तो वहाँ से हम उसको रीड कर रहे हैं, तो प्रोग्राम मेमोरी से तो यहाँ से आ रहा है डेटा। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन साथ है उसको बोल सकते हैं इमीडिएट डेटा। पर जो इस तरह के इंस्ट्रक्शन है STA LDA, ये क्या कर रही हैं, ये इनका काम ही, टास्क ही है मेमोरी को राइट रीड या राइट करना, जिसके पूरी इंस्ट्रक्शन का टास्क ही हो मेमोरी को रीड करना या राइट करना, उसमें हम डेटा मेमोरी का यूज करेंगे। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन के साथ डेटा आ रहा है वो तो माइक्रोप्रोसेसर, वो हम नहीं रीड कर रहे हैं बेसिकली, हमने इंस्ट्रक्शन में लिखा, वो इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट हो गया। ठीक है, तो टास्क में क्या है, एक्यूमुलेटर कंटेंट 30 होने हैं। ठीक है, तो ये सब प्रोग्राम के ही पार्ट हैं, पर जो STA और LDA वाला है ये डेटा मेमोरी से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो इस बात को समझना। और फिर जब पुश यूज करेंगे, पुश है स्टैक, स्टैक पे अगर कोई कंटेंट या बाइट वगैरह हमें उसमें स्टैक मेमोरी में सेव कराना है, तो पुश पे स्टैक से शुरू होगा, तो स्टैक पॉइंटर यहाँ पर रोल प्ले करेगा। तो जो डेटा मेमोरी वाला है ये तो डायरेक्ट एड्रेसिंग हो गई। ठीक है, या STAX DLDAX B, ये भी डेटा पॉइंटर हैं, तो ये सब डेटा पॉइंटर हैं। तो डेटा पॉइंटर, डेटा मेमोरी में 3 पॉइंटर बनते हैं। सही, तो डेटा मेमोरी मेमोरी को आप यहाँ से भी एक्सेस कर लो, इधर से भी एक्सेस कर लो, इधर से भी एक्सेस कर लो, तो 3 पॉइंटर से आप 3 जगह से इसको एक्सेस कर सकते हो अलग अलग से। ठीक है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक, प्रोग्राम मेमोरी को एक्सेस करने के लिए है आपके पास प्रोग्राम काउंटर। सही है, और स्टैक मेमोरी जो रैम का ही पार्ट है, तो दोनों एंड से यूज़ करते हैं। तो स्टैक पॉइंटर जो स्टैक मेमोरी का है वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन के बाद, जब हम पुश और पॉप अच्छे से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट बताना था, तो इसमें ज़रा सा बस इसको ध्यान रखें, वैसे कुछ भी लिख देंगे ठीक है, वो कंसिडर कर लेंगे, पर बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कि प्रोग्राम मेमोरी है अलग, तो जो रीड राइट ऑपरेशन माइक्रोप्रोसेसर जो कर रहा है डेटा, स्पेशली डेटा के लिए, तो वो डेटा मेमोरी से कर रहा है। ठीक है, तो उसकी ही लोकेशन देनी है डेटा मेमोरी की, मेमोरी को राइट करने के लिए। ठीक है, और मेमोरी को रीड भी अगर कर रहा है स्पेशली, वो भी डेटा मेमोरी का देना है। हाँ, इंस्ट्रक्शन के साथ कोई डेटा आ रहा है वो प्रोग्राम मेमोरी में है। ठीक है, जैसे कि MVI A 30H या LXI, जितने भी इमीडिएट एड्रेसिंग वाले हैं वो सब प्रोग्राम मेमोरी में है, वो इंस्ट्रक्शन के साथ ही है वो उसका डेटा, चाहे 8 बिट का है चाहे 16 बिट का है। ठीक, चलिए इसको अभी चैप्टर को इसको क्लोज करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, अब सपोज करो हमें किसी नंबर का 2's कंप्लीमेंट लेना है, उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। सही है, तो राइट ALP 2 take 2's कंप्लीमेंट। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास इंस्ट्रक्शन है 1's कंप्लीमेंट करने के लिए, जो भी एक्यूमुलेटर कंटेंट है, सपोज करो कोई नंबर ले लिया, नंबर है हमारा 30। सही है, तो 30 का हमें 2's कंप्लीमेंट लेना है। 30 को पहले इसको MVI A 30 एक्यूमुलेटर में डालेंगे, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है हमारी कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर, वो एक्यूमुलेटर में काम करती है। इसको कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद उसको क्या करना है, 30 का कंप्लीमेंट किया, तो 30 का वैसे इसका नंबर बनेगा 0011 0000। इसका कंप्लीमेंट करेंगे तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट अब क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे 1100 1111। अब फिर इसमें ऐड, एक 1 ऐड भी करना होता है ना। 2's कंप्लीमेंट में क्या है, जो नंबर है तो जिसको पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में सबको उसको चेंज कर दो, 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दिया, उसके बाद जो बचा उसमें +1 कर दिया, बस ये करना है। तो +1 करने के लिए INR A कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1101000। सिंपल है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हो गया, इसको हॉल्ट कर दिया है, पर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट। अब आते हैं दूसरी चीज पे, दूसरा है हमारा
मास्किंग वाला, जैसे कि पैक्ड बीसीडी है उसको अनपैक्ड में कन्वर्ट करना है ना। ये जनरली हमारा जो बीसीडी के जो कौन ये कोड कन्वर्टर को जो कोड कन्वर्जन वाले प्रोग्राम हैं उनमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोई दो नंबर हैं हमारे पास, सही है, जैसे सपोज करो हमारे पास दो नंबर हैं, टू डिजिट नंबर है, दो नंबर नहीं है, 89 है जैसे सपोज करो, तो 8 को अलग करना है, 9 को अलग करना है, इसका हमें प्रोग्राम बनाना है। सही है, तो इसको लिखते हैं प्रोग्राम के अगर शेप में लिखें तो इसको लिखेंगे राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू कन्वर्ट ए पैक्ड बीसीडी, तो इसको बोलेंगे पैक्ड बीसीडी। सही है, पैक्ड बीसीडी इनटू अनपैक्ड बीसीडी, तो अनपैक्ड बीसीडी बनेगी इसका 08 और 09। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, तो सबसे पहले एम वी आई ए, अगर ये किसी लोकेशन पड़ा है तो वहाँ से उठा के लाओ, सही है, अगर नहीं पड़ा है तो उसको ऐसे ले लो, एक्यूमुलेटर में लिया, सेव करा दिया बी में क्योंकि दो बार यूज़ करना है। उसके बाद इसमें क्या कराएंगे, ए एन आई, सही है, एक्यूमुलेटर कंटेंट के साथ 0F से इसका क्या कर दिया, एंडिंग ऑपरेशन करा दिया एक्यूमुलेटर का 0F के साथ, तो 08 08, तो ये तो 0 हो गया, F इसमें सारे 1 1 हैं और 9, तो 9 ही बचेगा, तो एक्यूमुलेटर में बचा अब 09, तो 09 अलग हो गया। ठीक है, अब हमें 08 करना है, तो उसमें क्या करेंगे, वापस एक्यूमुलेटर में लेंगे कंटेंट, क्योंकि एक्यूमुलेटर कंटेंट हो गया 09, अब वापस हमें चाहिए 89, तो ए कोमा बी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर ए एन आई ऑपरेशन कर देंगे एफ नॉट एच के साथ। ठीक है, तब एक्यूमुलेटर यहाँ पर कंटेंट हो गए 80, पर हमें क्या बनाना है 08, हमें चाहिए 08, तो उसके लिए क्या करेंगे, रोटेट करा दो, पर कैरी के साथ नहीं, क्योंकि कैरी वाली भी टाइट हो जाएगी और वो फिर सब मैग्नीट्यूड है जो उसको चेंज कर देगी। ठीक है, तो अब हमें इसको 80 का 08 बनाना है, तो आर आर सी, ये आ गया एक्यूमुलेटर में यहाँ पर, इसको चाहो तो किसी मेमोरी लोकेशन में सेव करा लो जहाँ पर सेव कराना है, सही है, किसी रजिस्टर में सेव करा लो, तो यहाँ पर हमने किसी रजिस्टर में सेव कराया, ये नहीं कराया, तो यहाँ पर हम इसको रजिस्टर में सेव करा लेते हैं, तो मूव इसको सेव करा लिया एच में, एच कोमा ए, सही है, और इसको सेव करा लेते हैं मूव एल कोमा ए, एल रजिस्टर में सेव करा दिया। ठीक है, मेमोरी में सेव कराना है, मेमोरी में सेव करा सकते हो, सीधा सीधा एल डी एस टी ए कुछ भी लगा के, सॉरी एस टी एस टी ए करके दोनों तरफ अलग अलग लोकेशन में सेव करा सकते हो। ठीक, ये इसका छोटा सा प्रोग्राम हो गया। अच्छा, उसके बाद तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास्किंग, जैसे कि 89 को 0F, जब 89 लिखोगे 89 तो 0F के साथ, तो ये बनेगा हमारा 89 का 1000 9 हुआ 1001, F हुआ हमारा 0000111, तो जब इसकी एंडिंग कराएंगे तो मास्किंग करने का मतलब है उसको ख़त्म ही कर देना, सही है, उन सबको हाइड कर देना, सही है, तो हाइड कर देना क्या है, तो 0 जहाँ पर भी आएगा वो क्या कर रहा है, अपर निबल जो है यानी 8 को मास्क कर रहा है, तो जब मास्क करेगा तो 0000 क्योंकि एंडिंग ऑपरेशन हुआ है, और तो यहाँ पर बनेगा 1001, तो ऊपर वाली जो है निबल इसको मास्क कर दिया। ठीक है, इस वाली को, लोअर वाली को मास्क करना है तो F0 से करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा क्या बचेगा, 1000 और फिर 0000 बस, अब ये लोअर वाली मास्क हो गई इस वाले केस में। ठीक है, तो मास्किंग वाला जो है वो ये कॉन्सेप्ट है, तो ठीक है, इसमें वो उसको प्रोग्राम में कुछ ऐसा सच है नहीं, वो बस एक्सोर वगैरह, और हाँ कंपेयर वाला है केस, तो उसमें कोई भी एक प्रोग्राम ले लेते हैं छोटा सा, तो ये लेते हैं एम वी आई एक्यूमुलेट में ले लिया 28H, सही है, उसके बाद इसको कंपेयर कराया सी पी आई 20 से, तो अब इससे बताने हैं जो कैरी और जीरो फ्लैग है उनका स्टेटस, तो क्या आएगा, कैरी की वैल्यू क्या आएगी और जीरो की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, फिर दोबारा दूसरे इंस्ट्रक्शन, अब इसमें देखो जब भी कंपेयर होगा एक्यूमुलेटर कंटेंट वही रहेंगे और रजिस्टर के कंटेंट भी, अगर रजिस्टर है यहाँ, यहाँ पर तो 8 बिट है तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, 30H है
तब सी वाई के क्या होंगे और जेड के क्या होंगे कंटेंट। अगर इसको सी पी आई 28S लिखूँ तब सी वाई के कंटेंट क्या होंगे और जेड के कंटेंट क्या होंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करता है जब कंपेयर इंस्ट्रक्शन है, वो क्या करती है ए माइनस 8 बिट डेटा वर्चुअली। सही है, कंटेंट एक्यूमुलेटर के वही रहते हैं, ए माइनस 8 होके नहीं आते हैं, 8 बिट जो भी डेटा है ये नहीं होके नहीं आते हैं, तो जो एक्यूमुलेटर के ओरिजिनल कंटेंट है वो एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पर ए माइनस 8 तो इजिली माइनस हो जाएगा, कोई कैरी नहीं आएगा, कैरी जीरो, जेड की वैल्यू जीरो। यहाँ पर ये ग्रेटर है, सही है, तो बोरो आएगा, बोरो का मतलब है कैरी सेट हो जाएगा, जीरो फ्लैग जीरो रहेगा। यहाँ पर दोनों इक्वल हैं तो रिजल्ट जीरो आएगा, तो जीरो का मतलब है कैरी इक्वल्स टू तो जीरो ही रहेगा, पर जीरो फ्लैग वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कंपेयर सीपीआई के लिए। तो जो भी डिसीजन लेते हैं वो इस पर लेते हैं, जीरो को चेक करते रहेंगे तो इसका मतलब है रिजल्ट दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर कैरी को चेक करें है कैरी तो इसका मतलब है एक्यूमुलेटर कंटेंट छोटे हैं, अगर कैरी नहीं है तो एक्यूमुलेटर कंटेंट बड़े हैं। ठीक है, रजिस्टर से या इमीडिएट वैल्यू से, तो ऐसे कुछ डिसीजन उस पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहीं रोकते हैं।